क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में तो हम जानते हैं कि ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें मेजर किया जा सके। फिजिकल क्वांटिटीज की बहुत सी एग्जाम है, तो बेसिक टाइप जिन्हें हम लोग डिस्कस करते हैं, एक जिसे हम लोग बेसिक क्वांटिटी कहते हैं, बेस क्वांटिटीज होती हैं, और दूसरी वो जिन्हें हम लोग डिराइव्ड कहते हैं, जो कि माखूज की जाती है, आखस की जाती हैं किसी चीज़ से, उन्हें हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज कह देते हैं। बेसिक क्वांटिटीज में सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक 7 यूनिट्स हैं, 7 क्वांटिटीज हैं, जिससे सेल की सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज और अदर क्वांटिटीज बनाई जा सकती हैं। जैसे कि बेसिक क्वांटिटी में टाइम आ जाता है, लेंथ के लिए एल, मास के लिए एम, टेम्परेचर के लिए एम्पेयर आ जाता है, इंटेंसिटी ऑफ मैटर के लिए कैंडेला CAD इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह टेम्परेचर के लिए एम्पेयर है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए I का सिंबल इस्तेमाल किया जाता है, और किसी भी मैटर के अंदर जो क्वांटिटी होती है उसे हम लोग मोल कहते हैं, इसे मोल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये कुछ के 7 क्वांटिटीज हैं जिनसे हम लोग बाकी तमाम की तमाम क्वांटिटीज बनाते हैं। और जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं उनमें फोर्स आ जाती है, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड है, मोमेंटम है, और इसके अलावा बहुत सी एग्जांपल्स हैं जो डिराइव की जाती हैं। इसी तरह हमारे पास पावर आ जाती है, वेट है किसी भी बॉडी का, एनर्जी है। तो ये सब के सब जो यूनिट्स हैं, सब की सब क्वांटिटीज हैं, ये बेसिक से डिराइव की जाती हैं, इसलिए हम बेसिक से ली जाती हैं, इसलिए हम लोग इन्हें डिराइव क्वांटिटीज कह देते हैं। इसी तरह वर्क भी जो है हमारा वो डिराइव क्वांटिटीज में आ जाता है। अब लीनियर क्वांटिटीज को इस्तेमाल करते हैं, सब की सब लीनियर क्वांटिटीज कहलाती हैं, इनको हम लोग कहते हैं जी ये लीनियर हैं, लीनियर क्वांटिटीज, इन्हें लीनियर क्वांटिटीज बोला जाता है। यानी कि सारी की सारी क्वांटिटीज किसी भी ऐसी बॉडी के एक्सप्रेशन के लिए, उसके मूवमेंट के लिए बताई जाती हैं जो स्ट्रेट पाथ में रोटेट करें, या उसका पाथ जो है वो सीधा हो, उसमें कर्व कुछ भी मतलब ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वो एक स्ट्रेट पाथ में मूव करें, तो उसके लिए हम लोग लीनियर क्वांटिटीज इस्तेमाल करते हैं। और इन लीनियर क्वांटिटीज से हम जो एक्सप्रेशन बनाते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं कि जैसे फर्स्ट मोशन ऑफ इक्वेशन है, तो उसे हम इन लीनियर क्वांटिटीज जिनमें बेसिक और डिराइव दोनों आ जाती है को इस्तेमाल करते हुए इस तरह से आसानी से बता सकते हैं कि हमारी जो VF फर्स्ट मोशन ऑफ इक्वेशन है वो VF इज इक्वल्स टू VI प्लस AT है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। सिमिलरली हमारी सेकेंड मोशन ऑफ इक्वेशन जो है वो S इज इक्वल्स टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर है। सिमिलरली थर्ड है जो कि 2AS इज इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर है। तो इसमें एक्सेलरेशन के लिए हम लोगों ने सिंबल A इस्तेमाल कर लिया, डिस्टेंस के लिए S, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग D इस्तेमाल करते हैं, फाइनल वेलोसिटी के लिए VF और इनिशियल के लिए VI है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि अब मुझे कुछ ऐसी क्वांटिटीज बतानी है जिसमें मैं किसी बॉडी की मोशन, उसकी रोटेशन इन अ सर्कुलर पाथ बता पाऊँ, तो उनमें ये सब की सब क्वांटिटीज रिप्लेस हो जाती हैं सम अदर क्वांटिटीज के साथ। यानी कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर कोई बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ रोटेट करती है, तो हम उसकी जो वेलोसिटी है, उसका एक्सेलरेशन है, उसकी फोर्स है, उसे अब लोग हम लोग अब उसे एंगुलर क्वांटिटीज कहते हैं। यानी कि ऐसी क्वांटिटीज जो किसी भी बॉडी की सर्कुलर मोशन को शो करने के लिए बनाई जाए। लीनियर क्वांटिटीज और एंगुलर क्वांटिटीज, ये दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं जो बेसिक और डिराइव से ही बनाई जाती हैं। लीनियर क्वांटिटीज में हमारे पास फोर्स के लिए डिस्प्लेसमेंट के लिए D का सिंबल होता है, डिस्टेंस के लिए S का सिंबल होता है, वेलोसिटी के लिए V का सिंबल है, फोर्स के लिए F का सिंबल है, एक्सेलरेशन के लिए A का सिंबल है। इसी तरह जब ये सब की सब क्वांटिटीज जो हैं, और टाइम के लिए हमारे पास T का सिंबल ही रहता है, और मास के लिए M का सिंबल हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये लीनियर क्वांटिटीज हैं जो कि बेसिक और डिराइव से ही मिलकर बनाई जाती हैं। इनमें कुछ बेसिक क्वांटिटीज होती हैं और कुछ डिराइव क्वांटिटीज होती हैं। ये लीनियर क्वांटिटीज होती हैं जो किसी भी बॉडी के स्ट्रेट पाथ पर मूवमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि अब मुझे ये क्वांटिटीज किसी एंगुलर क्वांटिटीज में तब्दील करनी है, यानी कि ऐसे क्वांटिटीज में जो किसी भी बॉडी की मोशन को इन सर्कुलर पाथ शो करें,
तो सर्कुलर पाथ पे सबका सब फंक्शन तकरीबन डिफरेंट हो जाता है लीनियर फंक्शन से। तो हम लोग क्या करते हैं कि एंगुलर क्वांटिटीज़ को हम लोग, लीनियर क्वांटिटीज़ को हम लोग सम अदर क्वांटिटीज से रिप्लेस कर देते हैं, जिन्हें हम लोग एंगुलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे कि अगर लीनियर क्वांटिटी की बात की जाए, तो लीनियर में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब हम एंगुलर क्वांटिटीज की बात करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस चूंकि दोनों एक ही होते हैं, बस फर्क ये है कि डिस्टेंस में हम लोग डायरेक्शन ही बताते हैं और डिस्प्लेसमेंट में हम लोग डायरेक्शन स्पेसिफाई कर देते हैं। जब इन दोनों की बात की जाती है, तो इन दोनों को एंगुलर क्वांटिटीज में बताने के लिए हम लोग इनकी जगह थीटा रिप्लेस कर देते हैं। इसी तरह जो वेलोसिटी वी है, उसके लिए एंगुलर क्वांटिटीज में ओमेगा इस्तेमाल किया जाता है। फोर्स एफ है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर टॉर्क इस्तेमाल करते हैं एंगुलर क्वांटिटीज में। एक्सेलरेशन ए के लिए हम लोग अल्फा यूज करते हैं, और जो हमारी मैस है उसके लिए हम लोग आई का सिंबल इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम लोग इनर्शिया कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब अगर इन क्वांटिटीज को इस्तेमाल करते हुए मुझे ये एक्सप्रेशन जो मोशन ऑफ इक्वेशन है ये लिखनी हो, तो इसे किस तरीके से मैं लिख सकती हूँ? इसे मैं आसानी से इस तरीके से लिख सकती हूँ कि वी एफ स्क्वेयर है, या इस तरह से कर लिया जाए जो कि वी एफ को हम लोग ओमेगा कहते हैं। और अगर हम लोग फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो ओमेगा एफ, और अगर इनिशियल की बात करें तो ओमेगा आई। अब मुझे वी एफ की जगह यहाँ पर ओमेगा एफ लगाना चाहिए, वी आई की जगह ओमेगा आई। प्लस ऐसे ही एक्सेलरेशन ए को हम लोग एंगुलर क्वांटिटीज में एंगुलर एक्सप्रे यहाँ पे लिख लेती हूँ, एंगुलर एक्सप्रेशन जो है हमारे पास, एंगुलर एक्सप्रेशन उसमें अल्फा ऐसे और टी जो है टी ऐसे ही रहता है। इसी तरह एस जो है, जिसे हम लोग डिस्टेंस कहते हैं, मैंने बताया था हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए थीटा ही इस्तेमाल करते हैं, तो मैं एस की जगह यहाँ पर मुझे थीटा लगाना चाहिए, वी आई की जगह ओमेगा आई, टी ऐसे ही, और फिर 1/2 चूंकि कांस्टेंट है ये ऐसे ही रहता है, ए की जगह अल्फा और टी की जगह टी स्क्वायर्ड ऐसे ही। और अगर थर्ड मोशन ऑफ इक्वेशन को लिखना हो तो 2 ऐसे ही चूंकि ये कांस्टेंट है, ए की जगह अल्फा, एफ की जगह थीटा, वी एफ की जगह ओमेगा एफ का स्क्वायर माइनस ओमेगा आई का स्क्वायर। तो इस तरह से कितनी आसानी से हम लोग लीनियर क्वांटिटीज को एंगुलर क्वांटिटीज में बदल सकते हैं। किसी भी बॉडी की सर्कुलर पाथ में रोटेशन के लिए अब हम लोग लीनियर क्वांटिटीज वाली इक्वेशन नहीं बल्कि एंगुलर क्वांटिटीज वाली इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगर मुझे एनर्जी का एक्सप्रेशन बताना हो, तो मुझे पता है कि हमारी काइनेटिक एनर्जी जो एनर्जी के इक्वल होती है, उसमें उसको लीनियर क्वांटिटीज में हम लोग 1/2 mv² लिखते हैं। लेकिन अगर मुझे इसे एंगुलर क्वांटिटीज में लिखना हो, तो मैं इसे इस तरह से लिख सकती हूँ कि 1/2 कॉन्स्टेंट है ऐसे ही, मैथ को चूंकि हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कहा था, ये ऐसे आ जाएगा, और वी की जगह ओमेगा का स्क्वायर, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी 1/2 i ω² के इक्वल आ जाती है। इसी तरह जो हमारी फोर्स है, जो एफ इज इक्वल्स टू एम ए के इक्वल आती है, अगर मैं इसे एंगुलर मोमेंटम में, एंगुलर एक्सप्रेशन में लिखना चाहूँ, तो मुझे मालूम है कि जो फोर्स है उसे हम लोग एंगुलर क्वांटिटीज में चौक के इक्वल लेते हैं, और हमारा जो मैस है उसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कहते हैं, और ए जो है इसे अल्फा कहते हैं। जिस तरह हर क्वांटिटीज का कोई ना कोई सिंबल एक साइंटिस्ट ने रख दिया है, जैसे कि मैस के लिए एम वो इस्तेमाल करते हैं और फोर्स के लिए एफ इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह साइंटिस्ट ने ये यूनिट भी स्पेसिफाइड कर दिए हैं कि एंगुलर क्वांटिटीज में फोर्स को हमेशा टॉर्क से, मास को हमेशा आर से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा, और ए को हमेशा अल्फा से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। इनको देने की रीज़न यही है कि सिस्टम इंटरनेशनल में इनके एक एक यूनिट, हर चीज़ का कोई ना कोई यूनिट स्पेसिफाई कर दिया जाता है, और वही यूनिट थ्रू आउट फिक्स रहता है पूरी वर्ल्ड में, और सब लोग इन यूनिट को इसी तरह इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से लीनियर क्वांटिटीज को हम लोग जो है एंगुलर क्वांटिटीज में बदल सकते हैं, लीनियर क्वांटिटीज के एक्सप्रेशन को भी हम लोग एंगुलर क्वांटिटीज के एक्सप्रेशन में बदल सकते हैं। और जब भी अब सर्कल की बात होगी, सर्कुलर मोशन की किसी भी बॉडी की, तो हम लोग ये वाले एक्सप्रेशन ही बल्कि ये वाला एक्सप्रेशन इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अब हम लोग एंगुलर मोशन की बात करें किसी बॉडी की सर्कुलर मोशन की। तीन क्वांटिटी का रिलेशन है कि किस तरह से लीनियर से एंगुलर में रिलेट करती हैं। ये सब की सब है फिजिकल क्वांटिटीज, और लीनियर क्वांटिटीज भी कुछ ना कुछ बेसिक और डिराइव से मिलकर बनी है, और एंगुलर भी कुछ ना कुछ बेसिक और डिराइव से मिलकर बनी है। फर्क ये है कि इनके सिंबल्स जो है वो तब्दील हो जाते हैं लीनियर से एंगुलर में जाते हुए।